Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, how are you? I hope all of you well. So open your book Geographic and also open your notebooks. Okay. Today we have to start chapter number 6. Already humne kal kiye the mountains ke mountains jo hain wo Pakistan mein two ranges hain. Theek hai, uske bare mein humne padha tha Pakistan ke jo mountains ke two ranges hain. अब अगर आप देखो अपने बुक के पेज नंबर 73 पे हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं. ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस यानी पहाड़ों का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के साउथ में जो अरेबियन सी है वहाँ से शुरू होता है और फिर वो कोस्टल एरिया से शुरू होकर जो है पाकिस्तान के नॉर्थ तक जाता है और वो हाई माउंटेन रेंजेस कहलाते हैं, यानी बुलंदों वाला पहाड़ हैं. ये पहाड़ी सिलसिला जो है इसके टू सेगमेंट्स हैं, यानी दो सिलसिले हैं. नंबर वन इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नंबर टू इज़ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स. कौन से? नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स. क्वेश्चन नंबर अगर आप लॉन्ग देखें अपने बुक पेज नंबर पेज अपने बुक्स का अगर आप पेज नंबर देखें 84 पे, तो वहाँ पे आपको राइट अ नोट ऑन माउंटेन्स आपको नज़र आएगा. ठीक है, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में कह लेते हैं. ठीक है, तो ये जो दोनों माउंटेन्स हैं, नॉर्थ माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स जो हैं, ये एक ख़ास इलाके में मिलते हैं जिसका नाम क्या कहलाता है? पामीर कोट. ठीक है, पामीर कोट पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. फिर इसके बाद जो नॉर्थ नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो वन है लॉन्ग. ठीक है, बुक पेज नंबर 84 पर आप देख सकते हो. ठीक है, तो उसका ये आंसर भी हो जाएगा और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या हैं. कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में टू माउंटेन रेंजेस हैं. एक जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स में टू रेंजेस आते हैं, दो पहाड़ी सिलसिले हैं. जी स्टूडेंट्स, पहला पहाड़ी सिलसिला जो है दो माउंटेन रेंजेस आते हैं, दो पहाड़ी सिलसिले आते हैं. पहला माउंटेन रेंजेस जो है वो हिमालयस है और दूसरा कराकरम. ठीक है, हिमालयस जो है, हिमालय का नाम आपने सुना होगा. ठीक है, हिमालय के अंदर जो है वो बहुत से पहाड़ी सिलसिले आते हैं जिसके अंदर जो है हिमालय में अगर सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स देखें द वर्ल्ड में, दुनिया में, तो वो माउंट एवरेस्ट है. ठीक, जिसकी जो है वो हाइट है 8,850 मीटर. ठीक है, और इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. या कि बुक पेज नंबर 74 पर इसको आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को अगर मैंने आपको सेंड किया था, इसको आप बुक पे हाईलाइट भी कर लेना, उसको याद भी कर लीजिएगा. ठीक है, अब हिमालयस देखते हैं कि हिमालयस के जो हैं वो थ्री सेगमेंट्स हैं. कितने सेगमेंट्स हैं? थ्री, जिसमें नंबर वन सवालिक हिल, नंबर टू लेजर हिमालयस एंड नंबर थ्री ग्रेटर हिमालयस हैं. विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक ये पैरेलल माउंटेन्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने माउंटेन्स जो हैं ये फैले हुए हैं. ठीक है, यानी इनकी जो है कितारें फैली हुई हैं. सबसे नंबर वन देखें तो सवालिक हिल से, सवालिक हिल जो है वो आपके अगर देखो तो सवालिक हिल इस्लामाबाद मरी हज़ारा एबटाबाद में है. ठीक है, और इसकी माउंटेन रेंजेस हाइट कितनी है? 800 मीटर्स हैं. ये हिल्स कहलाते हैं, यानी पहाड़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं. ठीक है, उनकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होती है. हिल्स जो होते हैं वो इसका मतलब होता है कि पहाड़ों की जो है अगर ऊंचाई कम है तो उसको हम हिल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये हिल्स, सवालिक हिल्स जो हैं, ये चोटियां जो हैं, सवालिक चोटी पहाड़ भी इसको हम कह लें या चोटी कह लें, जो भी आप कहना चाहें. तो अगर आप देखो तो ये जो है फैसल मॉस के आपके बिल्कुल बैक पे आपको ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये माउंटेन्स क्या होते हैं? सवालिक माउंटेन्स. अगर आप देखें शाह फैसल मॉस सिचुएटेड इन द फुट हिल और सवालिक हिल्स. ठीक है, सवालिक हिल्स के और इसके बाद इस्लामाबाद मरी हज़ारा और एबटाबाद में इसके जो हैं ये फोर जगह पर ये सवालिक हिल्स हैं. नेक्स्ट है आपका लेज़र हिमालयस. लेज़र हिमालयस जो है वो नॉर्थ और सवालिक हिल के हिल है शमाल के, यानी शमाल में सवालिक हिल के
लेज़र हमालिया, ठीक है। और इस माउंटेन में जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल का आता है, कल मैंने आपको समझाया था इसको डिटेल। और इसकी हाइट कितनी है, 40,000। ज्वालिक हिल की कितनी थी, 800 मीटर, जबकि इसकी ज़्यादा है कि 4,000 है। अब लेज़र हमालिया के जो है पाकिस्तान की का पिक्चर भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। अब आपके बुक के पेज नंबर 75 पे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा ग्रेटर हमालिया। आज जो है हम इसका हमालियास का थर्ड सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट हम पढ़ेंगे ग्रेटर हमालियास। ग्रेटर हमालियास देखें तो ग्रेटर हमालियास इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेज़र हमालियास। जिस तरह से नॉर्थ और सवालिक हिल्स के लेज़र हमालिया था, तो उसी तरीके से लेज़र हमालिया के नॉर्थ में जो है वो ग्रेटर हमालियास है, ठीक है। दीज स्नो पीक माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन सवात, कोहिस्तान एंड गिलगित। अगर आप देखो तो सवालिक हिल्स हमारे कहाँ पे एंड हो रहा है, मरी हज़ारा एबटाबाद, फिर उसके बाद जो है सिलसिला लेज़र हमालियास का शुरू हुआ आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल में, जबकि ग्रेटर हमालियास का जो है ये सवात, कोहिस्तान और गिलगित में है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान भी हम कह सकते हैं, गिलगित कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन्स इज 6,000 है, ठीक है। सवाली हिल की कितनी थी, 800 मीटर्स हाइट, ठीक है। इसी तरीके से लेज़र हमारे से कितनी हाइट थी, 4,000 मीटर, और ग्रेटर हमारे से कितनी है, 6,000, ठीक है। 6,000 मीटर से द हाईएस्ट पीक रेंज ऑफ दिस रेंज, इस पहाड़ी सिलसिले में जो सबसे ऊंचा ऊंची जो पहाड़ी है जो है वो कौन सी है, नागा पर्वत जी। इस पहाड़ी सिलसिले में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, वो है नागा पर्वत। उसकी हाइट जो है 8,126 मीटर हाई है, ठीक है। ये नागा पर्वत आप देख सकते हो, नागा पर्वत जिस जो कि स्नो से ढका हुआ है, ढका हुआ पहाड़ है, जिससे नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तकरीबन 8,126, यानी 8,126 मीटर हाई है। और इन जो जितने भी माउंटेन्स ग्रेटर हमालियास के हैं ये 6,000 मीटर्स हाई हैं, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा भी बुलंद बाला हो सकते हैं, तकरीबन 6,000 है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट कराकरम। नेक्स्ट जो है वो कराकरम नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज के जो तो पहाड़ी सिलसिले थे वो कौन से थे, फर्स्ट थे टू रेंजेस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, फर्स्ट इज हमालियस एंड सेकेंड कराकरम, ठीक है। हमालियास के थ्री सेगमेंट्स थे, जिसमें फर्स्ट था सवालिक हिल्स, लेज़र हमालिया सेकेंड, और नंबर थर्ड इज ग्रेटर हमालियास। मैं इसलिए दोबारा आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ याद करते जाओ, इसको मेरे साथ दोहराओ ताकि आपको याद हो, ठीक है। अब कराकरम आ जाएगा। कराकरम जो है ये आपका, अगर हमने लास्ट में पढ़ा था ना ग्रेटर हमालियास, तो ग्रेटर हमालियास कहाँ पे बेटा एंड हुआ था, गिलगित में, ठीक है। गिलगित में जहाँ पे ग्रेटर हमालियास के माउंटेन्स हैं उसके साथ ही कराकरम के माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं, गिलगित अप टू स्कर्दू माउंटेन, स्कर्दू तक के माउंटेन्स हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हमालियास, मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्थ शमाल के शमाल में नॉर्थ हमालिया के ग्रेटर हमालियास जो हैं, ग्रेटर हमालियास के तकरीबन ये माउंटेन रेंजेस अदर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देयर इज़ एन अदर रेंज और स्नो पीक माउंटेन्स सिचुएटेड इन, यानी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जो हैं, बुलंद बाला पहाड़ हैं वहाँ पे सिचुएटेड इन गिलगित अप टू स्कर्दू। ये गिलगित से लेकर स्कर्दू के इलाके तक फैले हुए हैं, इनको क्या कहते हैं हम, कराकरम रेंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कराकरम रेंज, ठीक है। कराकरम कहाँ से कहाँ तक है, गिलगित अप टू स्कर्दू, ठीक है। और ये कहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हमालिया से शुरू हो रहा है। देर इज अनदर अनदर रेंज ऑफ स्नो पीक माउंटेन सिचुएटेड इन गिलगित अप टू स्कर्दू, दिस इज कॉल्ड कराकरम रेंजेस, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक माउंटेन है, यानी मतलब दुनिया की जो दूसरी हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है ये, लेकिन जो पाकिस्तान के वो फर्स्ट है, तो वो कौन से, K2। और अगर हम फर्स्ट दुनिया के देखें सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन कौन सी है, वो है हमारी
जो अगर हम सबसे हाईएस्ट माउंटेन देखें तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के K2 है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ K2 विच इज़ 8611 मीटर हाई। K2 इज़ आल्सो कॉल्ड गॉडविन आस्टन, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसके अंदर जो है, इस सिलसिले में जो है वो ह्यूज ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स कहते हैं, ये भी एक पहाड़, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ होता है, बर्फ़ से बना हुआ पहाड़ होता है, और ये पूरा बर्फ़ सा बना होता है। इसके अंदर कोई पत्थर कुछ भी नहीं होता, ज़्यादातर बर्फ़ से ही बनता है, ठीक है। तो जब जिस जगह पे बहुत ज़्यादा स्नो एरियाज होते हैं ना, यानी बहुत ज़्यादा ठंडक वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे फ्रीज हो जाता है पानी अगर रख तो जम जाता है, तो ऐसे इलाके के अंदर जो है वो ग्लेशियर्स होते हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो पानी होता है वो जम जाता है, ठीक है। वहाँ जो बर्फ़बारी होती है वो स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं। ये माउंटेन, ये जो रेंजेस हैं, ग्लेशियर्स, ह्यूज ग्लेशियर्स जो हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, ये कहाँ पर हैं? सियाचिन, हशपर, बल्तारो, बाइफो एंड बेटोरा, ठीक है। दोबारा से देख लें, सियाचिन, हशपर, बल्टारो, बाइफो एंड बेटोरा, ठीक है, आर इम्पोर्टेंट। ये जो हैं, ये कुछ ग्लेशियर्स के नाम आपको बताते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से ग्लेशियर्स हैं। ये K2 देख सकते हो कि हाईएस्ट पीक जो है वो पाकिस्तान में है, ये माउंटेन के हाईएस्ट पीक है, लेकिन जो वर्ल्ड में है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। और जो अगर हम फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन देखें वर्ल्ड में, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अब आपने अपनी कॉपी वाइक करना है स्टूडेंट्स, और आज जो है वो कॉपी वाइक मैंने आपको कल प्रिंटेड फॉर्म में भेजा था, इंशाल्लाह ये आपने कल का काम कर लिया होगा, ठीक है। जिसके अंदर हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के 2 रेंजेस में हिमालयस का सेगमेंट किया था, हिमालयस के 2 सेगमेंट्स किए थे, जिसमें शिवालिक हिल्स और लेजर हिमालयस हमारा हो गया था, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपके स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, तो आज आप यहाँ इसके जो है यहाँ पे ऊपर डेट दे दें और यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर डेट दीजिएगा, यहाँ पे आपकी डेट का ऑप्शन होता है ना यहाँ पे। लेकिन अगर आपका फ़र्ज़ करें कि नया न्यू पेज स्टार्ट हुआ है, तो आपने न्यू पेज पे डेट दे के तो न्यू पेज स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैंने ये आपको अलग से काम भेजा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ जाएं। तो 10/7/21 होमवर्क सैटरडे, और ग्रेटर हिमालय जो भी मैंने आपको पूरा समझाया, सेम आपने ये पूरा ही लिखना है, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ हम कट नहीं कर सकते, बहुत इजी है, ये या आप याद कर लो। जी स्टूडेंट्स, अब आपने अपने नोटबुक वर्क करना है, नोटबुक वर्क पे आपने प्रॉपर आज की डेट दे के काम करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ग्रेटर हमारा जो भी मैंने आपको समझाया, सेम आपने वही पैराग्राफ फुल लिख देना है इसी तरीके से। करा करम भी मैंने आपको पूरा समझा दिया, करा करम भी आपने फुल लिखना है, इसमें से कोई चीज़ आपने एक्सक्लूड नहीं करनी, बहुत ईजी है, ईजिली आप याद कर लोगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई कि अल्लाह हाफिज़। आपने ड्राइंग लाइन, हेडिंग लाइंस प्रॉपर ड्रा करनी है, निब कट मार्कर का इस्तेमाल करना है ब्लू, और निब कट मार्कर के साथ साथ आपके पास ब्लू पेन हो, ठीक है, ब्लू बॉल पेन और ब्लू निब कट मार्कर के अलावा आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना। मैंने आपको इसलिए प्रिंट फॉर्म में भेज दिया ताकि आप इजीली काम कर सकें। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई कि अल्लाह हाफिज़।